हाँ तो भाई, टाटा पंच के लॉन्च इवेंट के साथ ही हमें इसके इंट्रोडक्टरी प्राइसेस पता चल गए हैं, लेकिन जिस बात का हमें सबसे बड़ा डर था कि इसका फर्स्ट लॉट कब तक डिलीवर होगा, ये अभी तक पता नहीं चला है। होप करते हैं कि भाई जल्दी ही पता चल जाए कि फर्स्ट लॉट कब तक होने वाला है क्लियर, ताकि बहुत सारे भाई लोगों ने जिन्होंने बुक किए टाटा पंच, वो अपनी दिवाली पंच के साथ में मना लें। वैसे टाटा मोटर्स ने अपनी ग्रोथ के बारे में बताया कि किस तरह से 2017 में टियागो के लॉन्च के बाद सफारी के लॉन्च तक कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट रहा है इनके प्रोडक्ट में, क्योंकि इनका मेनली फोकस रहता है सेफ्टी और रियल वर्ल्ड ड्राइविंग प्लेजर बाइक, जो कि बहुत ही सही है। और लास्ट 5 साल में भाई एसयूवी का चलन जो है इंडिया में डबल हो गया है। वहीं पंच के बारे में बात करें तो इसके बारे में टाटा मोटर्स का कहना है कि ये कॉम्पैक्ट बट लोडेड एसयूवी डीएनए वाली कार है टाटा मोटर्स की तरफ से, और इनका जो मेन फोकस है सेफ्टी पर है, और उसी की सीरीज़ में इन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट नेक्सोन 5-स्टार रेटेड कार इंडिया में लॉन्च किया था, उसके बाद अल्ट्रोज, और अब जो पंच है इसे भी ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार मिले हैं। आपने देखा ही होगा कुछ दिन पहले ही इसकी सेफ्टी रेटिंग्स हमारे सामने निकल के आई है, और यही नहीं भाई ये हाईएस्ट एवर रेटिंग कार बन गई है इंडिया की, यानी कि सेफेस्ट कार बन गई है अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में इंडिया की, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइसेस की। तो इसके प्राइसेस जो हम अनुमान लगा रहे थे, स्टार्टिंग प्राइसेस इसके 5.49 लाख है, यानी कि इसका जो प्योर वेरिएंट है वो 5.5 लाख एक्स शोरूम प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। यदि इसके ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करें तो 6,10,000 के इर्द गिर्द इसकी ऑन रोड प्राइस रहने वाली है। वहीं एडवेंचर वेरिएंट की प्राइसेस 6.39 लाख और एकॉम्प्लिश्ड की 7.29 लाख, और सबसे जो टॉप वेरिएंट है यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट, इसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई गई है 8,49,000, जो कि 8 लाख के इर्द गिर्द हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 8,49,000 इसकी प्राइसेस रहेगी, यानी कि 5,49,000 से लेकर 8,49,000 के बीच में इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस रखी गई हैं। और यदि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करें तो ऑटोमेटिक वेरिएंट सेकंड मॉडल यानी कि एडवेंचर वेरिएंट से आपको मिलेगा, जिसकी प्राइस हर एक वेरिएंट के 60,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 6,39,000 प्लस 60,000, 7,29,000 प्लस 60,000, और टॉप वेरिएंट में 8,49,000 प्लस 60,000 आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए देना पड़ेगा। और हाँ भाई, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, टाटा ने ये क्लियर कर दिया है, और 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड है। हो सकता है, यानी कि पूरी संभावना है, हो सकता है कि इस साल के बाद में इसके प्राइसेस में वेरिएशन आए। और इसके साथ ही अच्छी बात ये है कि जो इसके रिदम पैक थे, जो भी आप वेरिएंट लेते हो उसके साथ में यदि आप रिदम पैक लेते हो तो उसके भी प्राइसेस टाटा मोटर्स ने रिवील किए हैं। प्योर का जो रिदम पैक है उसमें आपको 35,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे यदि आप इसको लेते हो तो, उसमें आपको 4 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यानी कि यदि आप एक्स्ट्रा लेते हो तो ये भी आपको कंपनी से ही फिटेड मिल जाएंगे। वहीं एडवेंचर वेरिएंट में आपको 35,000 देना पड़ेंगे, 7 इंच की स्क्रीन लगवा सकते हो टच वाली, क्योंकि एडवेंचर वेरिएंट में 4 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है, जो कि टच नहीं होती है, नॉर्मल होती है, मैनुअल होती है। तो यदि आप रिदम पैक लेते हो 35,000 रुपये दे के, तो आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा, 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे इसके साथ में, स्टेयरिंग कंट्रोल्स और रेयर कैमरा भी आपको इसमें कंपनी फिटेड ही मिल जाएगा। वहीं आपका जो एकम्प्लिश्ड वेरिएंट है उसका यदि रिदम पैक लेते हो तो वो आपको 45,000 रुपये का पड़ेगा, उसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स, LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ए पिलर, ब्लैक टैप ये मिल जाएगा। वहीं यदि आप टॉप वेरिएंट रहते हो यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट लेते हो और उसका रिदम पैक लेना चाह रहे हो तो वो 30,000 का आपको पड़ेगा, उसमें आपको IRA कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। यानी कि भाई रिदम पैक की प्राइसेस भी काफ़ी सही रखी गई है। वैसे आप बहुत सारे लोग अब यहाँ पे भी कमेंट करेंगे कि हम ये सब चीज़ें आफ्टर मार्केट काफ़ी कम में लगवा सकते हैं, लेकिन भाई ठीक है, कंपनी फिटेड की बात कंपनी फिटेड ही होती है, आफ्टर मार्केट चीज़ भाई कहो ना कहो उतनी भरोसे लायक नहीं होती है। हाँ, यदि आपको शॉर्ट में इसके की फीचर्स में बता दूँ तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का रेवरट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है विथ डायनोप्रो टेक्नोलॉजी, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करें तो भाई इसने अपना नया ही सेगमेंट क्रिएट किया है। इसकी जो डायमेंशंस है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यानी कि इस डायमेंशन में अभी तक कोई सी भी गाड़ी इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, काफ़ी सही डायमेंशंस हैं। वहीं इसका बूट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, 366 लीटर का बूट आपको मिल जाता है विदाउट पार्सल ट्रे, और यदि पार्सल ट्रे लगाते हो
तो 336 लीटर का बूट आपको मिल जाता है। सेफ्टी वाइज तो भाई इस गाड़ी के बारे में बात ही क्या करें, 5 स्टार यानी कि सेफेस्ट कार हो चुकी है इंडिया की। और इसमें CSE, ABS, EBD, 2 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, साथ ही ब्रेक स्वे कंट्रोल नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो भी मिल जाती है, क्योंकि तो आपकी गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद स्टेबल रखती है। 90 डिग्री डोर्स ओपन होते हैं इसके, रेयर का फ्लैट फुट और आर्म रेस्ट आपको मिलने वाला है। तो भाई टाटा मोटर्स की तरफ से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, प्राइसेस भी इसके इतने बहुत ज़्यादा नहीं रखे गए हैं, काफ़ी सही प्राइस रेंज में ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो इसमें फीचर्स ऑफ़र आपको किए जा रहे हैं या फिर जिस तरह की बॉडी आपको ऑफ़र की जा रही है, बॉडी शेल आपको ऑफ़र की जा रही है, उसके हिसाब से इसके प्राइसेस भाई बहुत ही सही हैं। तो आपकी क्या राय है इसकी गाड़ी के बारे में, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।